हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपिंग दैट यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो पिछली वीडियो तक हमने लेंस के बारे में, जो लेंस फार्मूला था, लीनियर मैग्निफिकेशन थी और उसके साथ जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, उसके बारे में आपको हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमने 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू दोज फार्मूलाज, वो चीज आपको समझाई थी। और आपको ये भी पिछली वीडियो में क्लियर करवाया था कि आपको जो हमने रे डायग्राम्स डिस्कस करी थी फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, उसके विद रिस्पेक्ट आपको अपना आंसर गेस करना बहुत इजी हो जाएगा कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। तो उसके लिए आपको सारा कॉन्सेप्ट ऑफ रे डायग्राम्स वो आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स के बारे में बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। सो पावर हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में देखा था, लेकिन ये वो वाली पावर नहीं है। वो वाली पावर क्या होती है? इट इज वर्क डन बाय टाइम, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन जब भी ये वाली पावर आपको पूछेंगे तो यहां पर लिखा होगा आपके पास, जस्ट डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस। सो ये क्या होता है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस अप टू द एक्सटेंट टू विच अ लेंस कैन डेविएट द रे ऑफ लाइट। सो पावर क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस अप टू द एक्सटेंट टू विच अ लेंस कैन डेविएट द रे ऑफ लाइट। कितनी दूर तक या कितनी नजदीक जो लेंस है वो रे ऑफ लाइट को डेविएट कर सकता है, उस चीज का जो मेजर है, वो उस चीज की जो एबिलिटी है या उस चीज का जो मेजर है वो क्या कहलाता है? दैट विल बी द पावर ऑफ द लेंस। वो चीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है पावर ऑफ लेंस। अगर रे ऑफ लाइट कम डेविएट हुई है तो क्या उसकी पावर ज्यादा है? अगर रे ऑफ लाइट ज्यादा डेविएट हुई है तो उसकी पावर ज्यादा है। तो ये अभी हमें देखना है। डेफिनेशन क्या कहती है कि लेंस की कितनी एबिलिटी है, कितनी टेंडेंसी है कि वो रे ऑफ लाइट को कितनी एक्सटेंट तक कर सकती है डेविएट। अब यहां पर इस डेविएट शब्द के दो मीनिंग है। लेंस या तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर सकता है या रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर सकता है। क्या उसने बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दी, क्या उसने बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर दी, तो इस चीज का जो मेजर है कि उसने कितना कन्वर्ज किया, कितना डाइवर्ज किया, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द लेंस। ऑलराइट, आपको पता है कन्वर्ज कौन करेगा भाई? कन्वेक्स लेंस। डाइवर्ज कौन करेगा? कनकेव लेंस। तो बस इन्हीं के शब्द देखते हुए अब हम डिफाइन करेंगे कि पावर का फॉर्मूला क्या है। अब पावर का फॉर्मूला या तो मैं एज इट इज लिख दूं या पहले समझ लें, फिर खुद ब खुद फॉर्मूला निकल आएगा। तो चलिए हम दूसरी बात मानेंगे, हम पहले देखेंगे कि क्या हो रहा है, फिर हम उसके बाद जो है फॉर्मूला निकालेंगे। ये सपोज कीजिए आपके पास एक है कनकेव लेंस, ये आपके पास दूसरा कनकेव लेंस, और लेट इट बी ये आपके पास तीसरा कन्वेक्स लेंस। तो तीन कन्वेक्स लेंस हमने ले लिए, सब कुछ वैसा ही जो मैंने आपको सिखाया हुआ है इनकी टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आपने फटाफट से बना लेना चाहिए था आपको। ऑलराइट, तो ये हमारे पास प्रॉपरली हमने तीन लेंसेज बना लिए। अब क्या हुआ? रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, और मैंने कहा ऑब्वियसली पैरेलल है तो ये फोकस से पास होती, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब सोचिए, रे ऑफ लाइट इधर आई और ये इधर से पास करी, ये है उसका फोकस F2, सो दिस इज द फोकल लेंथ F, इसमें फोकल लेंथ ये वाली F, और लेट इट बी इसकी हम बना लेते हैं समवेयर हियर, यहां पर बना लेते हैं हम इसकी फोकस। तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई और इधर से पास हो गई, तो ये हमने बना ली आपको तीन डायग्राम। अब देखिए, क्या इसने कन्वर्ज ज्यादा की है, क्या इसने कन्वर्ज ज्यादा की है या इसने कन्वर्ज ज्यादा की है?
ये वाला डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस भी होता है फोकल लेंथ, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या कहलाता है भाई, फोकल लेंथ। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से, खुद सोचिए, बताएंगे कैसे आप, खुद सोचिए आप खुद ब खुद कि इसने ज्यादा कन्वर्ज की है, इसने ज्यादा कन्वर्ज की है या इसने ज्यादा कन्वर्ज की है। तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल गया, अगर मैं कहूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कितने ज्यादा कन्वर्ज की है, सी हैज डन मोर कन्वर्जेंस। ठीक है जी, इसने क्या किया, इसका फोकस दूर था तो मतलब ये रे ऑफ लाइट को कहीं दूर तक कन्वर्ज करा रही है, ये रे ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा दूर जाकर के कन्वर्ज करवाया, लेकिन इसने बहुत ही नजदीक ऑप्टिकल सेंटर के बहुत नजदीक रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर गई, मतलब फोकस से बहुत नजदीक से पास की। तो ये चीज, अब मैंने आपको कहा है कि पावर क्या होती है, कि उसकी टेंडेंसी, उसके पास कितनी एबिलिटी है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। अब इसकी एबिलिटी क्या है, कम। इसकी एबिलिटी क्या है, बहुत कम, क्योंकि इसने तो बहुत दूर जाके कन्वर्ज की, इसने ठीक ठाक कन्वर्ज की, लेकिन इसने बहुत जल्दी कन्वर्ज करवा दी रे ऑफ लाइट, बहुत जल्दी कन्वर्ज करवा दी रे ऑफ लाइट। मतलब अगर बहुत जल्दी कन्वर्ज करवाई होगी तो फोकल पॉइंट भी बहुत नजदीक आया होगा ऑप्टिकल सेंटर के, मतलब ये फोकल लेंथ भी बहुत कम आई होगी। सो अगर हम पावर की टर्म्स में बात करें तो इसकी पावर हुई लोएस्ट, क्योंकि इसने बहुत दूर जाकर के कन्वर्ज करवाई, इसकी देयर विल बी समवेयर इन मीडियम, ठीक है, और इसकी क्या होगी, मैक्सिमम। इसने क्या करवाया, मैक्सिमम कन्वर्जेंस इसमें हुई, अगर हम पावर की बात करें। अच्छा, फोकस की बात करें तो इसका फोकस मीडियम ही है, मीडियम दूरी पर है, इसका फोकस लार्ज डिस्टेंस पर है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और इसका फोकस इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से स्मॉल दूरी पर है, इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से लार्ज दूरी पर है, और इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से मीडियम, मतलब इतनी ज्यादा दूर भी नहीं है, इतना करीब भी नहीं है। देखिए, अगर तो पावर लोएस्ट तो फोकल लेंथ लार्ज, अगर पावर मैक्सिमम तो फोकल लेंथ स्मॉल। क्या आपको पावर और फोकल लेंथ का कहीं ना कहीं रिलेशन मिला? बिल्कुल, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा आएगी उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम। भाई फोकल लेंथ ज्यादा मतलब बहुत दूर जाकर के कन्वर्ज किया होगा उसने, बहुत दूर जाके कन्वर्ज क्यों करेगा अगर ये बेंडिंग बहुत कम हुई होगी, बेंडिंग बहुत कम इसलिए दूर जाके कन्वर्ज किया। इसमें देखो बेंडिंग कितनी ज्यादा हो गई, रे ऑफ लाइट कितनी ज्यादा बेंड कर गई, तो उतना नजदीक आ गया फोकस, उतनी कम हो गई फोकल लेंथ और उतनी पावर क्या हो गई, ज्यादा। तो मतलब जितनी ज्यादा वो बेंडिंग करेगा उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी, पावर, और उतनी कम क्या हो जाएगी उसकी फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ कम है, लेट मी मेक इट विद रेड, अगर फोकल लेंथ इसकी कम है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा। फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां तो सीधा ये फॉर्मूला रट्टा लगा लीजिए, यहां कंसेप्ट आपको मैंने बता ही दिया। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, तो यहां पर आप सिंपली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके इक्वल टू लगा दीजिए, तो ये कांस्टेंट आ जाता है, यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू है 1, सो फाइनली पावर का फॉर्मूला बन गया 1/f। सो द फॉर्मूला फॉर पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर एज 1/f। अच्छा अच्छा, पावर के यूनिट्स क्या होते हैं भाई, पावर इज डिफाइंड इन डायोप्टर्स। पावर को डिफाइन करते हैं हम डायोप्टर्स में, और इसको लिखते हैं हम कैपिटल डी के साथ, पावर के यूनिट्स होते हैं डायोप्टर, लिखे जाते हैं कैपिटल डी के साथ। अब देखिए यहां पर पावर सिर्फ इकलौते फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, दैट इज द फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ है ये भी दो होती है, या तो फोकल लेंथ हो सकती है पॉजिटिव हो
या फोकल लेंथ हो सकता है नेगेटिव हो। अगर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होता है कन्वेक्स, अगर नेगेटिव तो लेंस कौन सा है कनकेव, ये आपको बता चुके हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा है कन्वेक्स, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस कौन सा है भाई कनकेव। अब देखो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर का आंसर भी किसमें आएगा पॉजिटिव में, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर का आंसर भी किसमें आएगा नेगेटिव में। तो मतलब अगर आपको कहीं पर भी दिया है कि किसी लेंस की पावर है प्लस टू डायोप्टर, अगर किसी ने कहा पावर है प्लस टू डायोप्टर तो क्या मतलब है उसका, प्लस का मतलब है कि उसको कौन सी लेंस है जो वो लगा हुआ है उसके स्पेक्टिकल्स पर, उसके स्पेक्स पर या स्पेक्टिकल्स पर कौन सा लेंस लगा हुआ है कन्वेक्स। कैसे पता चला, पावर के आगे पॉजिटिव लिखा है वो तभी आ सकता है अगर फोकस के बाहर पॉजिटिव हो, फोकस पॉजिटिव किसका होता है कन्वेक्स लेंस का। सिमिलरली अगर पावर कहीं पर आपको दी है -1.5 डायोप्टर, इसका मतलब लेंस कौन सा है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव कैसे आया होगा क्योंकि एफ क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव एफ किसका होता है कनकेव लेंस का, तो इसको कौन सा लेंस लगा हुआ है इसके स्पेक्स पर कनकेव लेंस। ठीक है जी, सो कन्वेक्स लेंस जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। ऑलराइट, चलिए तो इतना तो था भाई हमारे पास भी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अब फटाफट से मैं आपको एक और चीज करवा दूं, दैट इज दी मैग्नीफाइंग ग्लास। तो भाई मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कोई छोटी सी चीज हो या कुछ चीजें आपने पढ़नी हो किसी नोटबुक पर जो कि बहुत छोटे से लिखे हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको पढ़ सकते हैं। सो मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको इमेज कैसी दिखती है, ऑब्जेक्ट तो बहुत स्मॉल है जिसको आपको पढ़ना है लेकिन उसकी इमेज क्या दिखती है बड़ी, वो इमेज सिर्फ आप देख सकते हैं, किसी स्क्रीन पर आप उस इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते भाई। आप उस इमेज को सिर्फ देख पाएंगे लेकिन उसको स्क्रीन पर, आप कहें कि मैं सामने स्क्रीन लगवा देता हूं तो वो चीज ऑब्टेन नहीं होगी। तो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास भी किस तरीके की इमेज बनाता है वर्चुअल, और अक्षर भाई स्मॉल ए अगर इस तरीके से लिखा है तो इसकी इमेज आपको ऐसी दिखती है, मतलब सीधी ए भी ऐसा पड़ा है और कैपिटल में भी ऐसा ही दिख रहा है, तो इमेज कैसी बनी इरेक्ट। वर्चुअल इसलिए पता चला क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी, इरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन, ए इतना छोटा पड़ा था और हमें वैसा ही दिख रहा है, और ऑब्वियसली ये इमेज क्या है मैग्नीफाइड, ये इमेज क्या है मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम ही है मैग्नीफाई करना इमेज को, लेकिन वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती है, हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, और अपराइट होती है सीधी दिखती है हमें। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस जो है वो यूज हो पाएगा मैग्नीफाई, तो एक ही बंदा बनाता है दैट इज कन्वेक्स लेंस, कनकेव तो हमेशा ही डिमिनिश्ड बनाता है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा मैग्नीफाइंग ग्लास किसको यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस। और कौन सा केस लगाएंगे भाई, वैसे कन्वेक्स लेंस जो है हमेशा कैसी इमेज बनाता है रियल, लेकिन एक केस है जब वो वर्चुअल बनाता है, जब ऑब्जेक्ट जो है कहां पर पड़ा हो बिटवीन ओ एंड एफ वन, अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है इस तरीके से ए एंड बी तो इसकी इमेज आपको यहां पर दिखेगी मैग्निफाइड हुई हुई ए डैश बी डैश। ठीक है जी, तो ये वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड भी है, तो यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जब हम बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे भाई ये आपकी नोटबुक पड़ी है जहां पर आपको देखना है, आपने लेंस बहुत दूरी पर रखा तो नहीं दिखेगी, यहां से लेंस बहुत दूरी पर रखा तो आपको मैग्नीफाइड इमेज नहीं दिखेगी, यू हैव टू कीप द लेंस वेरी क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट उस चीज की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। तो इसलिए वो कहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपको कहीं वो ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, तब जाकर के आपको इमेज किस तरीके की मिलती है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सिमिलर चीज आपकी यूज होती है इन सिंपल माइक्रोस्कोप, सिमिलर चीज आपकी यूज होती है इन सिंपल माइक्रोस्कोप।
उसमें भी आपको छोटी से छोटी चीज को बड़ा दिखाना होता है, तो उसके लिए भी यही चीज काम आती है। अच्छा, अब नॉर्मल लेंस, इसी मैग्नीफाइंग ग्लास की ही अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, लेट मी रेज दिस थिंग, इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1+D/F। 1+D/F जस्ट क्रैम कर लीजिए इसको, किस तरीके से आया वो अब हम नहीं करेंगे, सो जस्ट क्रैम दिस, रट्टा लगा लीजिए इसको। मैग्निफिकेशन इज 1+D/F वेयर डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड एफ इज द फोकल लेंथ, वो उस लेंस की क्या है, फोकल लेंथ। अब डी क्या है, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कौन से क्या होता है भाई, 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस इसका क्या मतलब है कि सपोज मैंने कोई चीज पढ़नी है, सपोज बुक पढ़ रहा हूं मैं, तो मैं कम से कम कितने डिस्टेंस पर रखूं, लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम मैं उसको अपने आंखों से कितना दूर रखूं कि मुझे प्रॉपरली विजिबल हो, ना तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे फोकस लगा के देखना पड़े कि हाँ भाई बहुत कंसंट्रेशन, ना बहुत पास रखूंगा कि मुझे कुछ दिखे ना। तो आप दूर लेते जाइए, एक डिस्टेंस आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जहां से आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, ना ही तो बहुत दूर से आप कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे, ना बहुत नजदीक से। सो एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कि आपको अच्छी तरह से दिखे विदाउट एनी एफर्ट, तो वो है हमारे पास डी, उसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1+D/F। ठीक है जी, इस तरीके से हम है जो मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर हमने जो है आज आपको बताया पावर क्या होती है, फिर हमने आपको मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में अभी नॉलेज नहीं देंगे आपको, वो सिलेबस में नहीं है और उसको समझने के लिए और कंसेप्ट आने चाहिए। तो इसके साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। सिर्फ एक चीज मैं आपको करवा दूं, एक न्यूमेरिकल बाय चांस अगर उस तरीके का आ जाता है तो सपोज कीजिए आपको दिया गया है दैट फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। आपको एक लेंस की यानी कनकेव लेंस, यहां पर ये देखना जरूरी था लेंस कौन सा है, उन्होंने कहा कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो दे दी गई कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो बताइए इस लेंस की पावर क्या होगी, व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस। तो भाई आइए देखते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है 1/F, 1/ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दी है कनकेव लेंस की, भाई फोकल लेंथ कनकेव के लिए क्या दी है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन क्या आएगा, माइनस ऑफ 25। कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है जी, इसका सेकंड फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ऑप्टिकल सेंटर के, दैट इज व्हाई फोकल लेंथ क्या लेंगे इसकी हम, नेगेटिव। एफ इज -25 सेंटीमीटर, यहां पुट कर दीजिए 1/-25 सेंटीमीटर। लेकिन पावर के जो यूनिट मैंने आपको बताए डायोप्टर, वो कौन से यूनिट है, एसआई यूनिट्स। तो यहां पर दिया है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। तो ये 100 ऊपर चला गया, सो इट विल बी -100/25 डायोप्टर, सो 25 × 4 = 100, सो -4 डायोप्टर। तो आपकी फाइनली पावर क्या आ गई, -4 डायोप्टर। ठीक है जी, माइनस साइन आपको क्या बता देगा, लेंस क्या है भाई, कनकेव लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो आ सकते हैं, दिस इज सिंपल काइंड। सिर्फ ये चीज याद रखना, सेंटीमीटर को यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, क्योंकि मीटर जो मैंने आपको डायोप्टर यूनिट्स लिखवाए हैं इसके पावर के,
तो वो किस किस सिस्टम में है, दैट इज इन दी एसआई सिस्टम, तो वो चीज याद रखिए. सो पावर इज -4d और -4 diopter. ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेंथी चैप्टर ऑफ लेंस.